हेलो एंड वेलकम टू मिट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे हैं आपके एन क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेवन फ्रैक्शंस एंड दिस इज पार्ट थ्री वीडियो जिसमें हम इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्सड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाकी सभी टॉपिक के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्ले ऑफ क्लास सिक्स मैथमेटिक्स इन मिट्टॉक इंडिया चैनल बट बिफोर वी स्टार्ट टू क्लास हेयर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्सड फ्रैक्शंस किसी भी चीज़ के मान लीजिए हमने फोर क्वार्टर्स बनाए चार हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया तो एक क्वार्टर को हम वन फोर्थ बोलते हैं टू क्वार्टर्स को हम टू फोर्थ बोलते हैं थ्री क्वार्टर्स को हम थ्री फोर्थ बोलते हैं और अगर चारों क्वार्टर्स को हम कंसिडर करेंगे तो वो फोर बाई फोर यानी कि वन होल बन जाता है यहाँ तक के सभी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा नंबर होगा और न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा नंबर होगा लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने न्यूमरेटर को एक बड़ा नंबर लिख दिया और डिनोमिनेटर को छोटा नंबर लिख दिया इसका क्या मतलब होता है इट मीन्स फाइव पार्ट्स आउट ऑफ टोटल फोर इक्वल पार्ट्स तो यहाँ पे फोर इक्वल पार्ट्स बनते ही वन होल तो वैसे ही बन गए तो जो फिफ्थ वाला पार्ट है ये पार्ट कहाँ से आया ये बाहर का कोई पार्ट है जिसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर एक बड़ा नंबर होता है ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर Let us this with the given in करते हैं आज वो पांच एप्पल लेके आए अपने साथ तो बच्चे यहाँ पे चार है लेकिन एप्पल पांच वो कैसे डिवाइड करेंगे आपस में तो अनाघा ने आइडिया दिया कि हम फोर एप्पल्स को एक 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 बच्चों में बांट देते हैं वन टू थ्री फोर फॉर फोर चिल्ड्रेन उसके बाद जो फिफ्थ वाला एप्पल बचेगा उसके भी ये बच्चे टोटल फोर इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पोर्शन अनाघा लेगी दूसरा वाला पोर्शन रवि लेगा तीसरा वाला पोर्शन रेशमा लेगी और फोर्थ वाला पोर्शन जॉन लेगा तो इस तरीके से पांचों एप्पल चारों बच्चे आपस में डिवाइड कर लेंगे टोटल पोर्शंस की बात करें तो एक बच्चे को कितना मिला एक एप्पल के इन्होंने टोटल चार क्वार्टर्स बनाए थे उसके अलावा एक क्वार्टर और मतलब कि चार क्वार्टर्स मिला के वन होल तो बन ही गया और एक क्वार्टर और मींस वन बाई फोर्थ जिसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो इतना जो चीज है ये मिला एक बच्चे को क्योंकि इस नंबर में ये जो वन है ये वन होल नंबर है एंड द वन फोर्थ इज वन फ्रैक्शनल पार्ट तो इस टाइप का नंबर जिसमें एक वन होल होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसी चीज को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं अच्छा हर बार तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते तो इसे मैथमेटिक्स में हम कैसे करते हैं तो बच्चों को फाइव एप्पल्स डिवाइड करना था फोर चिल्ड्रन में तो उसी को यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम फाइव डिवाइडेड बाय फोर लिखेंगे इसका एक और मतलब यह है कि फाइव को हमें डिवाइड करना है फोर से मतलब कि फाइव न्यूमरेटर में एंड फोर डिनोमिनेटर में तभी तो हम फाइव को फोर से डिवाइड कर पाएंगे तो जैसे ही हमने एक फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर है डिनोमिनेटर से यह बन गया एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन उसी तरीके से थ्री बाई टू ट्वेल्व बाई सेवन एटीन बाई फाइव ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सभी के न्यूमरेटर्स ग्रेटर नंबर है डिनोमिनेटर से राइट फाइव मोर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर सेवन सो लाइक एट बाई सेवन नाइन बाई सेवन टेन बाई सेवन इलेवन बाई सेवन ट्वेल्व बाई सेवन इन सब में सेवन डिनोमिनेटर है एंड द न्यूमरेटर्स आर ऑल ग्रेटर नंबर सो दीज आर द इम्रॉपर फ्रैक्शन नंबर टू इज राइट फाइव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 11, 11 by 10, 11 by 9, 11 by 8, 11 by 7, 11 11 10, 9, 8, 7, 6. सब में में 11 है और इन सब के डिनोमिनेटर्स छोटे नंबर है मतलब कि ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एकदम के स्टार्टिंग में फरीदा ने टू पूरी प्लस हाफ पूरी खाई थी सो वॉट डज टू एंड अ हाफ मीन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नंबर टू है इट मीन्स टू होल चपातीस और राइट right साइड में जो फ्रैक्शनल पोर्शन है दैट इज वन बाई टू वन बाई टू इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द चपाती तो इस टाइप का चीज़ जिसमें एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इफ आई इफ़ायास क्यू टू एंड अ हाफ में इक्वल पोर्शंस कितने हैं तो क्योंकि यहाँ पे आधा पोर्शन पहले से ही हमें दिया है बाकी सभी होल को भी हमें आधे आधे पोर्शन में ही डिवाइड करना है और फिर काउंट करना है कितने आधे पोर्शन है तो दिस इज वन पोर्शन दिस इज टू पोर्शन दिस इज थ्री पोर्शन दिस इज फोर्थ पोर्शन एंड दिस इज फिफ्थ पोर्शन तो यहाँ पे टोटल फाइव हाफ्स हैं एंड बिकॉज डिनोमिनेटर में टू है तो हम टू डिनोमिनेटर में लिखते हैं इस चीज को करने का एक शॉर्टकट भी है दैट इज स्टेप नंबर वन वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू सो टू मल्टीप्लाई बाई टू इज फोर सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे पास फोर आंसर आया इसी फोर को हमें न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है सो फोर प्लस वन इज फाइव और इसी फाइव को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारा यही डिनोमिनेटर वाला टू एज इट इज़ और इस तरीके से हमारा इनप्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा सो लाइक दिस वी कन्वर्ट एनी मिक्स फ्रैक्शन इन टू एन इम्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन इज अम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट तो हमें यहाँ पे दो तरह की चीजें सीखनी है एक तो हमें एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जो की यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में हमें गिवेन है और उसके बाद इसी मिक्सड फ्रैक्शन को दोबारा हमें इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना है जो कि हम एग्जाम्पल टू में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे सो एग्जाम्पल नंबर वन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्सड फ्रैक्शन हियर वी हैव बीन गिवन एन इंप्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर से सो वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर वैल्यू बाई द डिनोमिनेटर सेवनटीन को हमें डिवाइड करना है फोर से तो यहाँ पे फोर फोर जिक्सटीन रिमाइंडर हमारे पास वन बच गया सिंपल भाषा में अगर हमें सेवेंटीन चपाती को डिवाइड करना है चार बच्चों में तो हम पहले चार चार करके एक, एक 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 बच्चे को देंगे और उसके बाद हमारे पास एक चपाती बच जाएगा अब इसी एक चपाती को हमें चार बच्चों में बांटना है कुछ इस तरीके से तो वही हमने यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन वॉट वी गेट किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसी नंबर को हमें एकदम फ्रंट में लिखना होता है एज अ होल दैट इज फोर होल नंबर एंड देन जो रिमाइंडर नंबर बचता है नीचे से हमें उस नंबर को ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में और जो हमारे पास डिवाइजर था उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं दैट इज फोर सो आवर आंसर इज फोर एंड वन बाई फोर क्वार्टर दैट मीन्स फोर एंड वन बाई फोर सेकेंड एग्जाम्पल इलेवन डिवाइडेड बाई थ्री इलेवन को हमें थ्री से डिवाइड करना है थ्री थ्री ज नाइन हमारे पास रिमाइंडर आ गया टू तो आंसर हमारे पास जो ये नंबर थ्री क्वेश्चन आया है इसी क्वेश्चन को हमें सामने लिखना है थ्री होल उसके बाद नीचे के रिमाइंडर को ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में टू एंड देन जो ये डिवाइजर था ऊपर से इसे हमें नीचे लिखना है है so so के टेबल में आता तो ये जो आया हमारा 5, इसे हम फ्रंट में एज अ होल नंबर लिखेंगे इसके अलावा नीचे रिमाइंडर में जो टू आया था इसे हम ऊपर लेके जाएंगे दैट मीनस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर में और ये जो डिवाइजर था इसे हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे मतलब में। नेक्स्ट डिवाइडेड थ्री टू 6, रिमाइंडर हमारे पास वन आता है दैट मीन्स ऊपर का ये जो क्वेश्चन है उसे हम एज अ होल नंबर लिखेंगे टू रिमाइंडर जो वन आया था उसे हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे मतलब न्यूमरेटर में ऊपर और ये जो थ्री बच रहा था इसे हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे दैट मीन्स डिनोमिनेटर थ्री सो अवर आंसर मिक्स फ्रैक्शन इज टू एंड वन बाई थ्री नाउ द अदर वे हमें मिक्सड फ्रैक्शन से इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन एग्जाम्पल टू तो यहाँ पे जो नंबर वन वाला है टू एंड थ्री बाई फोर पहले वाले सोल्यूशन में इसे एक्सप्लेन किया गया है टू एंड थ्री बाई फोर का मतलब है टू होल नंबर एंड थ्री बाई फोर फ्रैक्शनल नंबर इसीलिए बीच में एंड लगा है प्लस का साइन नाउ किसी भी होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर को जब हमें ऐड करना होता है तो डिनोमिनेटर सेम ही होने चाहिए तभी हम उसे ऐड कर पाते हैं तो टू के नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं तो हम टू के साथ ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज टू मल्टीप्लाई बाई फोर अपॉन फोर अब जाके ये फोर और फोर डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाई फोर इज एट डिनोमिनेटर में तो फोर है ही अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए हमने इसे डिनोमिनेटर में फोर लिख दिया एज इट इज ऊपर के न्यूमिनेटर को एड कर दिया एट प्लस थ्री इज इलेवन सोअर आंसर इज इलेवन बाई फोर सेम टाइप के कन्वर्जन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दैट इज सेकेंड मेथड होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री और इस नंबर को हमें न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ ऐड करना होता है सिक्सटी थ्री प्लस वन इज सिक्सटी फोर और डिनोमिनेटर में नाइन था उसे एज इट इज सो आवर आंसर इज सिक्सटी फोर बाई नाइन ये वाला मेथड ज़्यादा क्विक है ज़्यादा ईजी होता है तो हम इसी चीज़ को फॉलो करके बाकी क्वेश्चन को करेंगे जैसे यहाँ पे फाइव सेवन थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस नाउ सॉल्व एक्सरसाइज सेवन पॉइंट क्वेश्चन इज ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट दम तो सबसे पहले हमें हाफ दैट इज वन बाई टू वन बाई फोर थ्री बाई फोर एंड फोर बाई फोर इन चार फ्रैक्शन को ड्रॉ करना है का मतलब किसी भी पोर्शन का एकदम आधा आधा हिस्सा और टू इक्वल पार्ट हम सिर्फ वन पार्ट को ले रहे हैं ये वाला पार्ट तो ये वाला जो पोजिशन है ये हाफ का पोजिशन है नेक्स्ट वन इज वन बाई फोर मीन्स आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स हमें इस लाइन के फोर इक्वल पार्ट्स बनाने हैं आधा तो पहले से ही हो रखा है हम इसे और आधा कर देते हैं दैट मीन्स वन टू थ्री एंड फोर पोर्स और सिर्फ एक पोर्शन अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा वन बाई फोर्थ थ्री बाई फोर का क्या मतलब है फोर टोटल इक्वल पार्ट्स में से सिर्फ तीन पार्ट्स दिस इज वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट इतना सा पूरा डिस्टेंस होगा थ्री बाई फोर का पोजिशन एंड द लास्ट वन इज फोर बाई फोर दिस का मतलब है आउट ऑफ टोटल फोर इक्वल पार्ट्स ऑल द फोर पार्ट्स या फिर वन होल तो जो वन का प्लेस है

थ्री पार्ट्स आउट ऑफ टोटल एट इक्वल पार्ट्स तो वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट ये वाला जो प्लेस है ये थ्री बाई एट का प्लेस है उसके बाद सेवन इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ टोटल एट पार्ट्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इतने टोटल पार्ट्स को मिला के यहाँ पे हमें सेवन बाई एट मिलेगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी डिनोमिनेटर में फाइव है तो नंबर लाइन को हमने फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट इज टू बाई फाइव दैट मीन्स आउट ऑफ फाइव इक्वल पार्ट्स टू पार्ट्स दिस इज वन पार्ट दिस इज टू पार्ट तो ये वाला जो प्लेस है ये टू बाई फाइव है सेकेंड इज थ्री पार्ट्स आउट ऑफ टोटल फाइव इक्वल पार्ट्स सो वन टू एंड थ्री ये वाला जो प्लेस है ये थ्री बाई फाइव का प्लेस है एट बाई फाइव दैट मीन्स एट पार्ट्स आउट ऑफ टोटल फाइव इक्वल पार्ट्स ये एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया नंबर लाइन में इसका मतलब ये टोटल वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट्स तो है ही और तीन पार्ट्स हमें राइट साइड में एक्सटेंड करके हमें बाकी एट पार्ट्स मिलेंगे तो यहाँ पे सेम टाइप के इक्वल पार्ट्स मैंने वन के राइट साइड में और भी ज़्यादा बढ़ा दिए अब हम इक्वल पार्ट्स काउंट करेंगे हमें टोटल एट एक इक्वल पार्ट्स चाहिए सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इक्वल पार्ट्स तो ये वाला जो पोजिशन हुआ ये हुआ एट बाई फाइव का पोजिशन ये वन से ग्रेटर नंबर है वाई बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर नंबर देन द डिनोमिनेटर दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मेथड तो आपको पता ही है हमें क्या मिलेगा वन होल एंड थ्री बाई फिफ्थ पोर्शन मिलेगा तो ये जो वन होल है ये पूरा जीरो से लेके वन होल तक हमने कवर कर लिया थ्री पोर्शन आउट ऑफ टोटल फाइव पोर्शन मतलब थ्री और पार्ट्स हमने काउंट किए और डिनोमिनेटर में फाइव तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये नंबर लाइन में कैसे बना और इसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप का है और लास्ट वाला हमारे पास बच रहा था फोर पार्ट्स आउट ऑफ टोटल फाइव इक्वल पार्ट्स तो यही पे हम वन टू थ्री फोर पार्ट्स लेंगे तो ये वाला जो प्लेस आ रहा था ये फोर बाई फाइव का पॉट है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है नाउ लेट सी द क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एस मिक्सड फ्रैक्शन नंबर वन इज एन इम्रॉपर फ्रैक्शन ट्वेंटी बाई थ्री तो प्रोसेस सेम है हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर नंबर थ्री से सो फाइव थ्री फिफ्टीन सिक्स थ्रीज एटीन एटीन से सब्रैक्ट करने के बाद हमें टू रिमाइंडर आता है तो so हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे जो क्वेश्चन वाला नंबर है उसे हम होल नंबर लिखेंगे सिक्स एज अ होल उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है नीचे का नंबर रिमेंडर वाला नंबर चला जाएगा ऊपर नंबर टू और ये जो डिवाइजर है नंबर थ्री ये ऊपर से नीचे आ जाएगा दैट मीन्स डिनोमिनेटर में थ्री सोवर आंसर इज सिक्स एंड टू बाई थ्री नेक्स्ट वन इज by बाई फाइव is इज by 5. 5 फाइव टू 10 और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा को हम लिखेंगे. नीचे का ऊपर चला जाएगा में और ये side ka, का ऊपर का डिवाइजर नीचे आ जाएगा सो so our आंसर इज two होल एंड one by fifth फ्रैक्शन लास्ट वन इज 17 by 7. 17 को हम डिवाइड करेंगे 7 से. 177, 2714, हमारे पास थ्री आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा होल नंबर नीचे का रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ऊपर का डिवाइजर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में सो आवर आंसर इज टू होल थ्री बाई सेवन फ्रैक्शनल वैल्यू नेक्स्ट इज डी ट्वेंटी एट बाई फाइव ट्वेंटी एट को हम डिवाइड करेंगे five से वी नो ऑलरेडी रिमाइंडर इज नंबर तो ऊपर का जो क्वेश्चन है दैट इज एज अ होल नंबर वी विल राइट नीचे का नंबर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में सो आवर आंसर इज फाइव होल एंड थ्री बाई फाइव फ्रैक्शन नेक्स्ट इज नंबर ई नाइनटीन डिवाइडेड बाई सिक्स होता है करने के बाद वन रिमाइंडर सो नंबर थ्री एज अ क्वेश्चन का वन ऊपर और ऊपर का सिक्स इज थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन थ्री नाइन जी सेवन एंड रिमाइंडर इज नंबर एट तो क्वेश्चन बन जाएगा होल नंबर नीचे का रिमाइंडर न्यूमरेटर बनेगा और ऊपर का नंबर नीचे डिनोमिनेटर बनेगा आवर आंसर इज थ्री होल

थर्टी वन और डिनोमिनेटर में फोर सो दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट इज नंबर बी फाइव एंड सिक्स बाई सेवन होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से फाइव सेवनजा थर्टी फाइव प्लस हम करेंगे सिक्स के साथ सो थर्टी फाइव प्लस सिक्स इज फोर्टी वन डिनोमिनेटर में सेवन सो दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट इज टू एंड फाइव बाई सिक्स तो हम होल नंबर एंड सिक्स डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे टू सिक्स 12 प्लस न्यूमरेटर वाला 5 होता है 17 और डिनोमिनेटर में जो 6 है उसे एज इट इज सो अवर आंसर इज 17 बाय 6 नेक्स्ट वन इज 10 एंड 3 बाय 5 तो so हम होल नंबर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 50 प्लस न्यूमरेटर वाला 3 डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज सो 10 5 50 प्लस 3 इज 53 डिनोमिनेटर में 5 सो दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट वन इज नाइन एंड थ्री बाई सेवन होल नंबर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाला सेवन एज इट इज नाइन सेवनजी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस थ्री इज सिक्सटी सिक्स एंड डिनोमिनेटर में सेवन सो दिस इज आवर आंसर लास्ट वन इज एट एंड फोर बाई नाइन तो यहाँ पे भी होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और इसे हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर के फोर के साथ और नीचे डिनोमिनेटर में नाइन एज इट इज एट नाइन जैवेंटी टू सेवनटी टू प्लस फोर इज सेवेंटी सिक्स एंड डिनोमिनेटर में नाइन एज इट इज सो दिस इज आवर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन इन दोनों का ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नेक्स्ट वी विल स्टडी इक्वीवेंट फ्रैक्शन in our part 4 videos so stay tuned we will meet very soon thank you very much bye bye